बिहार समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। बिहार पूरी तरह हीट वेव की चपेट में है। मॉनसून के आने की तारीख भी आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों तक राज्यवासियों को गर्मी के कहर से निजात मिलने का आसार नहीं दिख रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना सहित प्रदेश के 9 जिले रविवार को लू की चपेट में रहे। वक्त आपको बता दें कि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं 9 जिलों में गरज और चमक के साथ तेज हवा चलने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से यह बताया गया है कि पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, शेखपुरा, जमुई, सारण, सिवान, नवादा में लू चलने की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन सभी जगहों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं आम जनों से सावधान रहने की अपील की गई है। खासकर गर्मी से बचने के लिए बिना कारण घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। बाहर निकलना पड़े तो पानी पीकर निकले और तेज धूप से बचने की कोशिश करें। वहीं आपको बता दें कि बस जहां 17 जून तक मॉनसून के दस्तक की खबर मौसम विभाग ने दी थी, तो वहीं अब यह तारीख धीरे धीरे कर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि अब बिहार में मॉनसून के पहुंचने का तारीख 20 जून हो चुका है। मॉनसून उत्तर पूर्व भाग से राज्य में प्रवेश करेगा। 19 जून की शाम से बादल छाने लगेंगे। 20 जून से सुबह के ज़्यादातर हिस्सों में गरज चमक और तेज़ हवा के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं फिलहाल 2-3 दिनों तक दक्षिण बिहार के लोगों को भीषण गर्मी का कहर झेलना होगा। मौसम विभाग के अगले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और बिहार के उत्तर पूर्व हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल रहने की बात बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।